Hello and welcome again, my friends and dear student. Myself Mahendra Devanda. हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में पर्टिकुलर हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. साइटोस्केलेटन, जिसको हिंदी में कोशिका कंकाल कहते हैं, इसके बारे में, इसके कार्य पूर्व वीडियो में जान चुके हैं. इसके तीन मेन कॉम्पोनेंट है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम पूर्व वीडियो में जान चुके हैं. पूर्व वीडियो में हम ये भी जान चुके हैं कि साइटोस्केलेटन के क्या कार्य होते हैं, साइटोस्केलेटन होता क्या है. आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन बनाने वाली संरचना माइक्रोफिलामेंट, जिसको हिंदी में सूक्ष्म तंतु कहते हैं, और इसी वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी जो मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं उनके बारे में. सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल, होता क्या है. साइटोस्केलेटन एंड इंट्रासेल्युलर नेटवर्क. देखो, सेल के अंदर एक ऐसा नेटवर्क जो कि फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है, और ये फॉर्म किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है. साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. जो साइटोस्केलेटन है वो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, कोशिका की आकृति और आकार को बनाए रखने में भी मदद करता है. डिटरमाइन पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स. जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उनको अपनी यथास्थिति में बनाए रखने में साइटोस्केलेटन रेस्पॉन्सिबल होता है. सेल मूवमेंट, जो कोशिका का जो मूवमेंट होता है उसके लिए. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में मीन्स हम यहाँ पर मियोसिस की बात कर रहे हैं. माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में ऑर्गेनेल्स का ट्रांसपोर्ट हो या सेल का जो मूवमेंट होता है, उन सभी प्रक्रियाओं के लिए साइटोस्केलेटन रेस्पॉन्सिबल होता है. जनरली जो वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम जान चुके हैं. जैसे हम एक यहाँ पर एक कोशिका देख रहे हैं, ये कोशिका है एक, ये एक यूकेरियोटिक कोशिका है जिसमें हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाया गया है. आपको जो लॉन्ग ग्रीन शेप में दिखाई दे रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना है. दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो आपको बिल्कुल जाल के नुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है पूरी सेल के अंदर, ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट. और इसके अलावा जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पास में लगी हुई स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो है एक्टिन फिलामेंट्स. शुरू करते हैं एक एक को. सबसे पहले हम इनको आउटलाइनिंग एक बार समझते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये किस तरह अरेंज होते हैं. देखो, आप संरचना देखिए, एक्टिन फिलामेंट आपको इस तरह की दिखाई देती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. लेकिन हम इसकी सेल में पोजीशन को देख रहे हैं सबसे पहले, कि ये एक यहाँ पर एक कोशिका दिखाई गई है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है. इन सेल में जो साइटोस्केलेटन है उसकी पोजीशन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो एक्टिन जो फिलामेंट है वो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की जो कवरिंग है, उसके नज़दीक ज़्यादा पाए जा रहे हैं. यानी अगर इनका वितरण देखा जाए, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, तो ये सेल जो मेम्ब्रेन है बाहर की, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे. दूसरा, हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें. माइक्रोट्यूब्यूल्स मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इनकी जो अधिकांश क्वांटिटी होती है वो जो ये न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसके पास में ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा पूरी सेल में भी ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं. अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की, यानी जो मध्यवर्ती तंतु है वो सेल के, आप ध्यान से देखेंगे तो सेल के जो मीडियम भाग है, बीच वाला जो भाग है, यानी ना तो ये सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक ज़्यादा पाए जाएंगे, पाए तो जाएंगे लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होगी, इनका नंबर होगा, वो कम पाया जाएगा. यह हम बात करें न्यूक्लियस के या केंद्रक को देख रहे हैं, तो केंद्रक के नज़दीक भी इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमें नहीं दिखाई दे रही है. अब हम इनकी संरचनाओं को देखें. एक्टिन फिलामेंट जैसे इसकी सब यूनिट है,
वो ग्लोबुलर एक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। माइक्रोट्यूबुल्स की स्ट्रक्चर्स ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उससे मिलकर बनी हुई संरचना है। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं वो हिट्रोजिनस ग्रुप होते हैं, मींस जो मध्यवर्ती तंतु है वो कई प्रकार के फिलामेंट्स या प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना है। अब हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जो साइटोस्केलेटन पाया जा रहा है उसको। यूकैरियोटिक में हम जान रहे हैं कि एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनको बनाने वाली संरचनाएं जैसे ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन पाई जा रही है, ट्यूबुलिन पाई जा रही है और भी प्रकार की जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इनके समान होमोलोगस कहें या इनके जो कार्य हैं उसके आधार पर कहें, प्रोकैरियोटिक में जो संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं FTS, जिसको यूकैरियोटिक के ट्यूबुलिन प्रोटीन के होमोलोगस माना जाता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक में जो MREB जो पाई जाती है प्रोटीन, वो यूकैरियोटिक के एक्टिन के होमोलोगस माना जाता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक में CRES जो है वो यूकैरियोटिक के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के होमोलोगस माना जाता है। इनके कार्य के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया में जैसे FTSZ ये डिवीजन में मदद करती है, यानी जो इसका विभाजन होता है उसमें मदद करती है। ऐसे हम MREB की बात करें तो ये सेल को पोलरिटी प्रोवाइड कराती है, और अगर कोशिका के आकार को निर्धारित करना हो प्रोकैरियोटिक में तो उसका कार्य इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले वाला माइक्रोफिलामेंट जो इस वीडियो में बात करने वाले थे उसकी बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट जिसको हिंदी में सूक्ष्म तंतु कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स, सूक्ष्म तंतु को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं क्योंकि जो इसमें जो मेजर जो भाग पार्टिसिपेट करता है वो एक्टिन फिलामेंट्स भाग लेता है। आपने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन पाई जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। ये एक्टिन वही फिलामेंट्स होते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, हम बात कर चुके हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यानी ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। इनके हम डायामीटर की बात करें यानी उसके व्यास की बात करें, आप यहाँ पर पिक्चर में देखिए, इसका मतलब यूं कहें कि इसका ये डायामीटर है, इसकी बात करें तो इसका 5 to 7 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। एवरेज इसका जनरली माना जाता है 7 नैनोमीटर डायामीटर माना जाता है, जो कि जितने भी साइटोस्केलेटन है यानी हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रो फिलामेंट में ये इसका जो डायामीटर होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी इसका जो डायामीटर है सबसे कम है, स्मॉलेस्ट डायामीटर है, इसलिए इसको माइक्रोफिलामेंट नाम दिया गया है। आगे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखेंगे कि उसको नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों दिया गया है। शॉर्ट लेंथ स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इनकी जो लंबाई की बात करें यानी इन फिलामेंट्स की अगर लेंथ की बात करें तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स से थोड़े छोटे होते हैं, लंबाई में शॉर्ट लेंथ होती है इनकी। नेक्स्ट हम बात करें एक्टिन मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर प्रोटीन इन साइटोस्केलेटन, इंपॉर्टेंट बात है। जो एक्टिन फिलामेंट है वो सेल के जितने भी साइटोस्केलेटन हैं तीनों उनमें सबसे अधिकांश मात्रा में जो पाए जाते हैं वो एक्टिन फिलामेंट यानी माइक्रो फिलामेंट्स पाए जाते हैं। द पेरिफ्री, पेरिफ्री का आशय है जैसे एक कोशिका होती है, कोशिका के जो सराउंडिंग जो भाग होता है यानी जो पेरिफ्री का जो भाग होता है ये हम कहें एज, और ए सेल जनरली कंटेन्स द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो फिलामेंट, यानी जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं वो सेल की जो परिधि भाग होता है वहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप इसको एग्जाम में डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रो फिलामेंट्स यानी जो सूक्ष्म तंतु है,
आर पॉलीमर्स, यानी ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जब छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़कर बड़ी संरचना का निर्माण करती है। ऐसे बहुत सारी जब संरचनाएँ आपस में जुड़ती है समान प्रकार की, तो ये पॉलीमर बनाती है। तो ये पॉलीमर होते हैं किसके, जी एक्टिन प्रोटीन के। जी एक्टिन का मतलब, जी का मतलब होता है यहाँ पर ग्लोब्यूलर। आपने जब प्रोटीन की संरचना पढ़ते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो उसमें हम एक संरचना भी पढ़ते हैं जिसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है जो जी एक्टिन प्रोटीन होती है, इससे मिलकर एक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे बनता है इसको आगे समझते हैं। देखो, जो हमने ये समझ चुके हैं कि जी एक्टिन इस तरह से, ये जैसे यहाँ डायग्राम में ये एक जी एक्टिन है, ये दूसरी जी एक्टिन है, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। इस तरह बहुत सारी जी एक्टिन मोनोमर यूनिट सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई रहती है, वहाँ पर पाई जाती है। ये जो सब यूनिट है ये आपस में जुड़कर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो इसको समझते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स मेड अप ऑफ जी एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो जी एक्टिन मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जैसे कि ये एक एक एक्टिन जी एक्टिन मोनोमर्स यूनिट है, ये एक एक मोनोमर यूनिट है, ये आपस में जुड़ी हुई संरचना है। जी एक्टिन हैज ए बाइंडिंग साइट। जी एक्टिन के पास में अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस डायग्राम को, तो इसमें एक आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो सकता है। बाइंड होने के बाद में जैसे ही ये इस स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, एटीपी से एक फॉस्फेट रिलीज होता है। जब इसके साथ में ये जुड़ता है फिलामेंट्स के साथ में, तो एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और एडीपी के रूप में इस ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ में ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, आपने जो जी एक्टिन है वो उसके साथ में एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है। जबकि हम माइक्रो ट्यूबुल्स जब पढ़ रहे थे, सूक्ष्म नलिकाएं जब पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर देखा था कि वहां पर एटीपी की जगह वहां पर जीटीपी ग्वेनिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम समझते हैं, जो छोटी छोटी जो जितनी भी जी एक्टिन की मोनोमर यूनिट है, एक एक इकाई है, वो आपस में मिलकर एक बड़ी फिलामेंट के आकार की संरचना बनाती है। इसी आकार संरचना को कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन, या हम कहें एफ एक्टिन। एफ एक्टिन कैसे बनती है, जब बहुत सारी मोनोमर जी एक्टिन की मोनोमर यूनिट आपस में जब जुड़ जाती है और एक फिलामेंटस की स्ट्रक्चर बनाती है, तब इसका फॉर्मेशन होता है। यानी एफ एक्टिन इज ए पोलर स्ट्रक्चर्स। कैसे हो गई पोलर स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास प्लस एंड है, यानी एक धनात्मक की तरफ है, जहां पर जितने भी मोनोमर यूनिट है वो फास्ट गति से मूव करती है, यानी जुड़ती रहती है। प्लस ग्रोज फास्टर देन एंड स्लो ग्रोविंग एंड, यानी जो इसका माइनस का जो निगेटिव एंड है वहाँ पर ग्रोविंग होगी वो स्लो होगी। ये जैसे डायग्राम में देखिए, आपको एक तरफ नेगेटिव एंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव एंड है, और दूसरी तरफ ये जहाँ पर बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ रही है वो इसका धनात्मक हिस्सा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर तीव्र गति से बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ने का काम करती हैं। इसलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होने के कारण इसको पोलर स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। जी एक्टिन सब यूनिट असेंबल हेड टू टेल एंड फॉर्म एफ एक्टिन। क्योंकि छोटी छोटी सब यूनिट हेड से जुड़ती है और टेल तक जाती है, मतलब दूसरा जो नेगेटिव एंड है उसको हम टेल भी कह सकते हैं,
और हेड वाला भाग, आगे वाले भाग को हम हेड कह सकते हैं। इस तरह ये एक एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करता है। टू एक्टिन फिलामेंट जॉइन इन फॉर्म ऑफ ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। जब दो ऐसे फिलामेंट जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो आपस में एक एक पहले एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से छोटी छोटी, ये एफ फिलामेंट बन जाते हैं। फिर जो दूसरा फिलामेंट जो बनता है ये इसके ऊपर रैप हो जाता है, रैप मतलब घूम जाता है, इसके ऊपर ट्विस्ट हो जाता है, जिससे ये एक दूसरे से एक ट्विस्टेड फॉर्म का निर्माण करती है। और इस फॉर्म ये कैसे जुड़ती है, राइट एंड हेलिक्स के फॉर्म में जुड़ी हुई संरचना होती है। अब हम समझते हैं जो माइक्रोट्यूबल्स के जो कार्य हैं उसके बारे में, यानी माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा क्या क्या कार्य संपादित किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी मायोसिन और एक्टिन जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये इसमें सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्टिन फिलामेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन में भाग लेते हैं, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में माइक्रोफिलामेंट्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट, की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेल सरफेस प्रोजेक्शंस इंक्लूडिंग फिलोपोडिया एंड लैमिलोपोडिया। जो अलग अलग सेल की सरफेस पे कई प्रकार के प्रोजेक्शन, जो कि प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसमें कई प्रकार के जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें स्ट्रक्चर का निर्माण करती है फिलोपोडिया एंड लैमिलोपोडिया। ये लोकोमोशन में मदद करते हैं, यानी उनके जो चलन अंग के रूप में काम में आते हैं। अब हम समझते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्प इन प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो सेल के अंदर अगर कोई पदार्थ जाता है तो उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और सेल के बाहर कोई मैटर आता है, ये एक सेल है, अगर बाहर कोई आता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, अंदर कोई सेल के अंदर जाता है तो उस पदार्थ उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें माइक्रोफिलामेंट का अपना इनडायरेक्टली रोल होता है। सेल डिवीजन, यानी जो कोशिका का जो विभाजन होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग का फॉर्मेशन होता है, जैसे डायग्राम में देखिए जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक्टिन फिलामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जिस प्रक्रिया को ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया कहाँ पर होती है, एनिमल सेल्स में होती है। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं सेल मोटिलिटी में, सेल की मोटिलिटी में साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, सेल एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, सेल के अंदर पदार्थ मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, यानी उनकी सेल के अंदर गति होती रहती है। तो इस गति के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए इंटरमीडिएट सॉरी माइक्रोफिलामेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इनके ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक सेल मूवमेंट, जो कोशिका के मूवमेंट होते हैं जिसमें अमीबा का जैसे मूवमेंट हो गया, माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक सेल यानी जब फीटस का डेवलपमेंट एम्ब्रियो होता है उसमें कई प्रकार की सेल का मूवमेंट होता है, तो इस प्रक्रिया में मदद करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं चेंजेस इन सेल शेप एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। जो सेल की जो शेप है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और सेल को मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। ये थी माइक्रोफिलामेंट्स के कार्यों की बात। अब हम समझते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में, यानी जिसको हिंदी में मध्यवर्ती तंतु कहते हैं उसके बारे में। मध्यवर्ती तंतु कई प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना है। इससे पहले वाले जितने भी साइटोस्केलेटन है
वो एक एक प्रकार के ही प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कई प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो आप जब माइक्रोफिलामेंट की जो साइज होती है यानी उसका जो डायामीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है, माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होता है उसका डायामीटर होता है 25 नैनोमीटर, लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनका डायामीटर होता है 10 नैनोमीटर। यानी आप अगर समझें तो माइक्रोफिलामेंट्स का डायामीटर सबसे ज़्यादा, माइक्रोफिलामेंट्स का डायामीटर सबसे कम, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उसका डायामीटर इंटरमीडिएट होता है यानी 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो जो इंटरमीडिएट जो नाम दिया गया है इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि दो तीनों साइटोस्केलेटन में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसका डायामीटर इंटरमीडिएट टाइप का होता है, दोनों के मध्यवर्ती टाइप का होता है। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो टफ होते हैं यानी थोड़े रफ होते हैं, रोप लाइक होते हैं, रस्सी के समान होते हैं, स्टेबल होते हैं। आप अगर दोनों माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स की बात करें तो उनकी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है वो मोनोमर सब यूनिट से बनती है यानी उनकी उनमें पोलरिटी पाई जा रही है और उनकी जो स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी पाई जाती है यानी वो डायनेमिक स्टेबिलिटी रखती है, स्ट्रक्चर की संरचना रखती है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट स्टेबल स्ट्रक्चर है। फाइब्रस प्रोटीन्स होती है, मॉलिक्यूल्स ट्विन टुगेदर इन एन ओवरलैपिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है जो फाइब्रस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं और ओवरलैप स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं वो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, बट एब्सेंट इन यीस्ट, यीस्ट में एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का कार्य यानी उनके समान कार्य प्रोकैरियोटिक में क्रिसेंटिन पाई जाती है, एक प्रोटीन क्रिसेंटिन जो प्रोटीन पाई जाती है वो उसकी जैसे बैक्टीरिया में उसकी शेप को मेंटेन करने में काम आती है। तो प्रोकैरियोटिक में जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है यानी उनके कार्य के आधार पर उनके कौन कर रही है, क्रिसेंटिन प्रोटीन कर रही है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कॉल्ड टोनोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को टोनोफिलामेंट्स कहा जाता है, किनमें, इन एपिडर्मिस सेल्स, जो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को टोनोफिलामेंट्स कहा जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कुछ क्लासिफाई किया गया है क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए उनको वर्गीकृत किया गया है 5 ग्रुप्स, इनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, बेस ऑन सिमिलरिटीज बिटवीन देयर अमीनो एसिड्स एंड सीक्वेंसेस। अमीनो एसिड के सीक्वेंस के आधार पर यानी जो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे एक अमीनो एसिड एक प्रकार का हो गया, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, फोर्थ प्रकार का, फिफ्थ प्रकार का, तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इस तरह जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड है इनके सीक्वेंस में अगर डिफरेंस होता है तो उसके आधार पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का भी टाइप भी बदल जाता है। इन्हीं टाइप्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स में टाइप फर्स्ट में जो प्रोटीन्स पाई जाती है उसको कहते हैं एसिडिक किरेटिन्स कहते हैं, और ये एपिथीलियम सेल्स में पाई जाती है। टाइप सेकेंड ये न्यूट्रल और बेसिक क्रेटिन्स होती है, ये भी एपिथीलियम सेल्स में पाए जाते हैं। टाइप थर्ड विमेंटिन, इसमें जो टाइप थर्ड यानी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है उसके टाइप हैं ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 प्रकार के पाए जा रहे हैं, जिसमें इन प्रकारों में एक प्रोटीन्स में एसिडिक क्रेटिन हो सकता है, न्यूट्रल और बेसिक क्रेटिन्स हो सकता है, विमेंटिन है, टाइप थर्ड में ही डेस्मिन है, ये जो
विमेंटिन और डेस्मिन है, ये टाइप थर्ड है। विमेंटिन जिन कोशिकाओं में पाया जाता है वो कोशिकाएं हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs, सब श्वेत रक्त कणिकाएं एंड और भी कई प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें ये पाया जाता है, यानी विमेंटिन कॉमन है जो ज्यादा अधिकांश कोशिकाओं में पाया जाता है। डेस्मिन मसल्स कोशिकाओं में पाया जाता है। टाइप फोर, टाइप फोर में प्रोटीन है न्यूरोफिलामेंटस प्रोटीन्स, जिसके टाइप है न्यूरोफिलामेंट्स एल यानी लो, न्यूरोफिलामेंट्स एम मींस मीडियम, न्यूरोफिलामेंट्स एच हाई। इनका आधार लो, मीडियम एंड हाई का आधार इनमें पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर किया गया है, यानी जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको एन एफ एल कहा गया है, जिसका हाईएस्ट होगा उसको एन एफ एच कहा गया है, एच कहा से हाईएस्ट से। ये जो न्यूरोफिलामेंट्स पाए न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं या न्यूरॉन्स की सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप फाइव में न्यूक्लियर लेमिन। न्यूक्लियर लेमिन्स के प्रकार होते हैं न्यूक्लियर लेमिन्स ए, न्यूक्लियर लेमिन्स बी एंड न्यूक्लियर लेमिन सी। ये कहाँ पर पाए जाएंगे? न्यूक्लियर लेमिना ऑफ आल सेल टाइप, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे कोशिका है उसमें न्यूक्लियस की जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें ये इस तरह अरेंज होते हैं और सेल डिवीजन के समय ये डिसोसिएट हो जाते हैं। समझते हैं इसकी संरचना को। इंटरमीडिएट फिलामेंट कंटेन सेंट्रल अल्फा हेलिकल। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट आप स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर ये जो बीच वाला जो भाग है ये एक अल्फा हेलिकल है, अल्फा हेलिकल एंड एंड टर्मिनल हेड। एंड टर्मिनल होगा, ये जो एंड टर्मिनल होगा वो इसका हेड कहलाएगा और सी जो टर्मिनल होगा वो इसका टेल कहलाएगा। एंड और सी टर्मिनल का आस है, इनमें जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसके आधार पर कहा गया है। अमीनो एसिड में एक की तरफ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरी तरफ होता है अमीनो ग्रुप। टू पॉलीपेप्टाइड विंग अराउंड ईच अदर इन ए कोइल कोइल स्ट्रक्चर टू फॉर्म डाइमर्स। इसमें क्या होता है, जो दो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वाइंड अराउंड ईच अदर, आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती है, घूम जाती है और एक कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, एक कुंडलित संरचना बनाती है और वो एक डायमर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड है, ऐसे ही समान प्रकार की दूसरी पॉलीपेप्टाइड जब आपस में एक दूसरे से ऊपर जुड़ जाती है तो डाइमर का फॉर्मेशन करती है। इनका ओरिएंटेशन समान प्रकार से होता है। ओरिएंटेशन का आशय हेड वाला जो भाग होगा पॉलीपेप्टाइड का वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड के हेड पार्ट के साथ ही ज्वाइन होगा। ऐसे ही टेल जो भाग होगा वो दूसरी पॉलीपेप्टाइड के टेल भाग से ही जुड़ता है। इस तरह ये समान डायरेक्शन में जुड़ते हैं। डाइमर्स जॉइन एंड फॉर्म टाइमर टेट्रामर। ये डाइमर जब आपस में जुड़ते हैं तो टेट्रामर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर ये पहले जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है ये एक पोलर संरचना है, दूसरी जो स्ट्रक्चर्स है जो डाइमर है ये पोलर। यहाँ पर दो जब डाइमर का फॉर्मेशन होता है और पॉलीपेप्टाइड होते हैं ये पोलर स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इनके समान डायरेक्शन होता है। लेकिन जब डाइमर आपस में जुड़ता है तो टेट्रामर का फॉर्मेशन करता है और टेट्रामर नॉन पोलर संरचना है, नॉन पोलर क्योंकि इसके अपोजिट जो एंड होते हैं वो इनको न्यूट्रल कर देते हैं। टेट्रामर एसोसिएट एंड टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट। और टेट्रामर जब आपस में एक किनारे से दूसरे एंड से जुड़ते हैं तो प्रोटोफिलामेंट्स बनाते हैं। जैसे इस डायग्राम को समझते हैं, देखो दो एक एक पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ी, डाइमर का फॉर्मेशन हुआ, डाइमर से टेट्रामर का फॉर्मेशन हुआ और ये टेट्रामर आपस में, ये एक टेट्रामर है ये दूसरे टेट्रामर यूनिट से जुड़ती है और ऐसे ही तीसरी टेट्रामर यूनिट से जुड़कर
इस तरह की एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो इसमें जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो इस तरह के 8 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में जुड़ते हैं और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी रस्सी के समान संरचना का निर्माण करते हैं, और यह रस्सी के समान जो संरचना है वही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम करती है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को दूसरे रूप में, तो इसके टाइप हार्ड केराटिन्स के रूप में, यानी जो क्रिएटिन पाया जाता है वो हार्ड केराटिन भी हो सकता है, जो कि हेयर्स में, बालों में, नेल्स में, नाखूनों में एंड हॉर्न्स में, जो गाय भैंस में जो हॉर्न्स पाए जाते हैं उनके हॉर्न्स में पाए जाते हैं, नेल्स नाखूनों में पाए जाते हैं, और बालों में हार्ड केराटिन पाया जाता है। जो हार्ड केराटिन है वो एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही है। ऐसे ही सॉफ्ट केराटिन पाया जाता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? एपिथीलियम के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एपिथीलियम जो कोशिकाएं होती है, उपकला कोशिकाएं होती हैं, उनके कोशिका जो द्रव होता है वहां पर अधिकांश मात्रा में ये पाई जाती है। देख लेते हैं, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स, ये एक स्किन की बीमारी है जिसमें क्या होता है, क्रिएटिन का जो फॉर्मेशन होता है वो खराब तरीके से होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण एक बीमारी का विकास हो जाता है, बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी जो मध्यवर्ती तंतु है उनके कार्यों के बारे में। ये तो हम समझ चुके हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये रोप लाइक संरचना है। स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल एंड टिश्यूज, जो भी कोशिका है और उत्तक हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करती है। पोजिशंस एंड एंकर द न्यूक्लियस विद इन द सेल, जो न्यूक्लियस है उसको अपनी पोजिशन पर बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें केराटिन्स और विमेंटिन ये न्यूक्लियर एनवलप से अटैच रहते हैं और इसको यथास्थिति में बनाए रखने में मदद करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑर्गेनाइज इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज करने में इसका योगदान होता है। नेक्स्ट हम बात करें केराटिन्स, देखो केराटिन्स एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, विमेंटिन्स एक प्रकार का इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, न्यूरोफिलामेंट्स भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, तो हम इनको एक एक करके भी चाहे अलग अलग करके भी कार्य पढ़ सकते हैं। जैसे केराटिन के क्या कार्य होते हैं, विमेंटिन के क्या कार्य हो सकते हैं, उसी तरीके से तो केराटिन इज फाउंड इन एपिथेलियम सेल्स, हेयर्स एंड फिंगर नेल्स, ये हम बात कर चुके हैं सॉफ्ट एंड हार्ड केराटिन्स के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड ए स्कैफोल्ड फॉर लोकलाइजिंग सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, जो सेल के अंदर जो सिग्नलिंग की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अपना योगदान देते हैं। ये थे मध्यवर्ती तंतुओं के कार्य, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल।